इसके जीवन में हरियाली होती है और ये कहते हैं कि तुझे रात दिन पढ़ाई करनी है तो ये उठता भी ना, लेकिन दिक्कत ये है कि बोलते नहीं ना, फिर क्या है भाई। तो जीवन में इसकी हरियाली नहीं है। फिर फोन पे बात कर रहा हूँ सामने किसका है? कब सुधरोगे? एक वो गंवार वाली हालत है ना, कितना भी समझाओ वही करना है। इस भाई को कहा था ना तुम्हें, ये कक्षा 1 2 3 4 5 10 डिप्लोमा आईटीआई इनमें नहीं सिखाते ये बेसिक चीजें, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन तुम वहां भी करते हैं। सही बात है, ये चीज घर से सिखाई जाती है। चले फिर शुरू करें प्रोग्राम। अजी यहाँ पर थे कि अधिकतम टॉर्क पर स्लिप का मान रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क का मान रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ऑब्जेक्टिव याद रहेगा? क्या हुआ? अरे नहीं, बच के चलना इससे। माइक चल रहा है? अब हाँ भाई बच्चों, TFL का जो मान है 1/ω S, यही पढ़ा। ये है समीकरण एक। और ST max है R2/ ये है समीकरण नंबर दो। Tmax बराबर 1/ यही था, ये है टी मैक्सिमम, ये हमने ले लिया जी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर जो आपने एस लिखा हुआ है ये क्या है भाई? फुल लोड पर स्लिप, तो ये आएगा TFL/Tmax 2S S² + में ये फुल लोड और मैक्सिमम का अनुपात आता है। दो 2S ST max / ST max² और ये अनुपात यहां से काफी जरूरी और इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल का चांस ना के बराबर है, लेकिन फॉर्मूला टिक लगाने को जरूर आ सकता है। देखो बेटा आपको एक बात बता दूं, यदि हम S = 1 रख दें तो S = 1 का तात्पर्य ये होता है शुरुआत भाई, स्टार्टिंग।
तो उस समय पर जो टी एफ एल है वो किसके बराबर? एस टी का मतलब है यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क, लिख लेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क अगर बेटा हम ये कहें कि यदि एस बराबर वन और टी एफ एल को देखें, तो एस बराबर वन पर ये टी एफ एल ही क्या हो जाएगा? टी एस टी। तो देखिए यही जो फॉर्मूला है इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। तो टी एफ एल बन जाएगा टी स्टार्ट अपॉन टी मैक्स बराबर, अरे एस बराबर वन ही तो रखना है बस। ये भी अगर अनुपात आया तो ये टी स्टार्ट और टी मैक्सिमम का अनुपात ये, ठीक है जी, 2 2 तो 2 है। हाँ हाँ क्या हो गया, कनेक्शन टूट गया था कैसे? अरे हाँ क्या बात कर रहे हो, जुड़ा है यार। अभी देखो ये क्या है, एस टी मैक्स अधिकतम टॉर्क पर, अभी जुड़ा नहीं है। ये है जी समीकरण नंबर 5। बातें नहीं बस हो गया। ये दो फॉर्मूले लिखाए, दो रेशियो, टी एफ एल और टी मैक्सिमम का अनुपात और टी स्टार्ट और टी मैक्सिमम का अनुपात, ठीक है जी। अब हमें ये देखना है और ये समझना है कि यदि हम टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसे हमें किस प्रकार से खींचना है। तो नेक्स्ट चलेंगे टॉर्क स्लिप विशेषता। देखो भाई, हमने पूरी टॉर्क स्लिप विशेषता को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ लिया। पहला केस फर्स्ट है स्टार्टिंग अवस्था में। यार बच्चों एक बात बताओ, शुरुआत में स्लिप का मान एस बराबर वन है और सिंक्रोनस गति के पास में या सिंक्रोनस गति पर 0 है, या ये कहें फुल लोड पर जो स्लिप का मान होता है वो होता है 4%, 2%, 3%। हाँ तो 0.03, 0.04 कुछ ऐसा होता है। तो 1 में और 0.04 में तो बहुत अंतर है। तो क्या हम ये कहें कि स्टार्टिंग में स्लिप का मान अधिक होता है? जी अरे होता है स्टार्टिंग अवस्था में। ये इसके लिए हमें देखना है कि भाई पहला केस हम लोग स्टार्टिंग अवस्था में देख रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि स्टार्टिंग में स्लिप का मान अधिक होता है। अच्छा जी भाई बच्चों, इस टॉर्क में ये दो चीजें हैं, जरा नीचे ये देखो, आर टू बटे एस का स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर। हमने इनकी तुलना ये करनी है कि आर टू बटे एस और एक्स टू, या आप यदि इसे ज्यादा नंबर से भाग देंगे तो ये रिजल्ट कम आएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम इनके स्क्वायर की तुलना कर रहे हैं
तो हम ये कहें कि देखिए शुरुआत की स्थिति में रिएक्टेंस ज्यादा होता है किससे, रोटर के प्रतिरोध से, शुरुआती स्थिति में। तो शुरुआती स्थिति में क्या देखने को मिला कि रिएक्टेंस ज्यादा है किससे बेटा, रोटर के प्रतिरोध से। तो हमने कहा कि देखिए x2'2 इससे कहीं ज्यादा है, तो हम इस स्थिति में कहते हैं कि नेगलेक्ट r2/s² हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो जरा यहां पर ध्यान देंगे, जो बेटा टॉर्क आता है, टॉर्क बराबर में 1/ω(s) और v1, ये तो रहेगा ही रहेगा। आप ये बताइए कि यहां नीचे क्या मिला, s2। मुझे ये बताइए कि इस स्थिति में, चलो क्या हम ये लिखें 1/ω(v1²)x²^(1/r2)s। तो टॉर्क और स्लिप के बीच रिश्ता क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो भाई ये बढ़िया सवाल है कि शुरुआत में टॉर्क और स्लिप का, मैंने पहले ही कहा कि चाहे तो मैं टी लिखूंगा या टीएफएल या टीजीए, तीनों एक ही है भाई। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि इंडक्शन मोटर में शुरुआती जो टॉर्क है, उस स्थिति में अवस्था में स्लिप और टॉर्क का रिश्ता कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम लोग इसे पढ़ेंगे केस 2। केस 2 बेटा हमने ये ले लिया, केस 2 है नॉर्मल चलन स्थिति में, नॉर्मल चलने की स्थिति में, नॉर्मल चलने की स्थिति में ठीक है भाई, नॉर्मल चलने की स्थिति में जो स्लिप है उसका मान क्या होता है दोस्त, कम होता है। तो नॉर्मल चलने की स्थिति में r2/s और x2 का हमें तुलना करनी है, तो कम नंबर से भाग देने का मतलब मान ज्यादा। तो भाई बच्चों ये हमें इसका जो स्क्वायर है ये ज्यादा मिल जाएगा किससे, x2 के स्क्वायर से। फिर आप इस मान को यहां रख के हल करोगे तो नॉर्मल चलन की स्थिति में टॉर्क का जो रिश्ता है वो आएगा स्लिप के साथ समानुपाती। ये दो यहां टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक से बड़े ही शानदार सवाल है। अभी क्या आपको क्या कहेगा, नॉर्मल चलने की स्थिति में जब इंडक्शन मोटर चल रहा है बेटा, उस स्थिति में टॉर्क या घूर्ण स्लिप के समानुपाती होता है। अब यार एक बात बताओ, सिंक्रोनस गति पर, जरा ये सोचकर देखिए आप कि बेटा जब हम सिंक्रोनस गति की चर्चा करें या बात करें, तो सिंक्रोनस गति पर क्या आप ये देख पाएंगे कि सिंक्रोनस गति पर स्लिप का जो मान है वो शून्य होता है, होता है। अच्छा जी, हम ये कहेंगे हम ये लिख रहे हैं कि सिंक्रोनस सिंक्रोनस गति पर स्लिप का मान शून्य होता है। भाई बच्चों अगर यहां शून्य हो गया तो टॉर्क कितना होगा, इसीलिए आघूर्ण भी शून्य हो जाता है। सिंक्रोनस गति पर स्लिप का मान शून्य होता है, इसीलिए जो आघूर्ण है वो भी
शून्य हो जाता है। इसीलिए इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं चलता। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं चलता, ये सदैव सिंक्रोनस गति से थोड़ा कम पर, बिना किसी मॉडिफिकेशन के बेटा। तो ये पॉइंट भी काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको लिखना है। लिख लिया जी, यहां तक बताओ, कोई तकलीफ कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। तो इसे अब हम लोग ड्रॉ करेंगे बेटा, खींचते हैं इसे, टॉर्क स्लिप विशेषता को। कहाँ लग गई क्या? अभी तो शुरुआत है। आ जाओ, ज्यादा मत बोलो, कल नहीं देगा। ये टॉर्क है, एस बराबर जीरो है, एस बराबर जीरो पर गति कितनी है दोस्त? जीरो। सिंक्रोनस गति लिखा रखा है, इंपॉर्टेंट, कमाल है। अबे एस बराबर जीरो पर सिंक्रोनस गति है, लिखाया था। एस बराबर वन पर लिखने के बाद कितने जल्दी दिमाग चला रहा, सुनने होते। ये तीनों लिखा रखे मैंने, एस बराबर टू पर ये तीनों लिखा रखे तो मैं नोट में, लेकिन दिक्कत तो ये, पढ़ा तो मैं सब कुछ दूंगा लेकिन पेपर में तो फिर करके नहीं आते ना, दुख की बात तो यही है। ये जो ये पॉइंट है बेटा, इस पर हमें मिलता है अधिकतम टॉर्क, ठीक है दोस्त? और अधिकतम टॉर्क पर स्लिप का मान आर टू बटे एक्स टू, तो भाई बच्चों एक बात बताओ, यदि किसी बिंदु पर तुम्हें स्लिप पता हो
और सिंक्रोनस गति पता हो, तो क्या आप गति निकाल सकते हो? यदि हम ये कहें एंटी मैक्स का मतलब है अधिकतम टॉर्क पर गति, अधिकतम अधिकतम टॉर्क पर गति। तो एंटी मैक्स यदि हमें निकालना हो तो हम करेंगे वन माइनस एस टी मैक्स इंटू एन सब। मैं तो बहुत गहरी नॉलेज है ये, ठीक है भाई। हमने स्लिप के सापेक्ष में बेटा, हमने स्लिप के सापेक्ष में ये जो ये लाइन है ये है टी मैक्स। वो ये जबान खोलोगे मैं पता गलत ही बोलोगे, पहले से उम्मीद है मैं ऐसी लोड लाइन। वाह, मतलब कमाल, इतने ऊपर लोड लाइन काहे दिखाए, और मैक्सिमम तो देवतिया से कुछ सीखो, नहीं सिखाता। अच्छा जी, तो भाई एक बात बताइए बच्चों कि जो ये रीजन है एस बराबर वन के आसपास का एरिया शुरुआती रीजन कहलाता है, शुरुआती क्षेत्र। और जो ये वाला रीजन है भाई एस बराबर 0 के आसपास वाला, ये कहलाता है कि भाई नॉर्मल है। नॉर्मल चलन क्षेत्र, ठीक है भाई। ये बताइए जो रिलेशन है नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में, ये टॉर्क स्लिप के समानुपाती पढ़ाया, बता देना अगर कहीं गलत हो। ये स्लिप किस तरफ को बढ़ी है? हमारे हिसाब से तो हमें इस तरफ को बढ़ती हुई दिख रही है। देख लो स्लिप, ठीक है। अगर स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। अरे वाह, अगर स्लिप बढ़ा तो टॉर्क बढ़ा, यानी कि ये जो लाइन है भाई, ये लाइन दर्शाती है टॉर्क स्लिप के समानुपाती। हाँ, ये भी बोलना जरूरी है भाई। टी मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं हो सकता भाई, जब है ही अधिकतम, या इससे भी ज्यादा कर सकते हो? जब नाम ही अधिकतम दे दिया तो अब इससे कम ही हो सकता है। तो शुरुआती क्षेत्र में टॉर्क और स्लिप का संबंध कैसा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो मैं लगा दो यार, खाना खाए, खाना खाया जबर। हम सोचने से क्या है, एग्जामिनर कह रहा है ए प्लस बी का मतलब क्या है, तुम कह रहे सी प्लस डी निकालते हैं, और दो बार बोल रहा है यही, फिर
भाई यहां होता है टॉर्ग और स्लिप का वियुत कर्मानुपाती रिलेशन। तो जैसे जैसे यहां से स्लिप का मान बढ़ता है वैसे वैसे ठीक है जी। कोई आपको ये कहे कि ब्रेकिंग रीजन में क्या संबंध है, अभी आएंगे उस मुद्दे पर भी। खैर तो देखो ये बढ़ने के साथ, स्लिप के बढ़ने के साथ बढ़ना, यहां स्लिप के बढ़ने के साथ टॉर्क का गिरना, ये है वियुत कर्मानुपाती। ये तो हमने लिखा रखे अभी, तो मैं ज्यादा देर भी नहीं हुई दोस्त, ठीक है जी। भाई बच्चों इसमें भी यहां से शुरुआत हो या लास्ट, इस रीजन को कहा जाता है मोटर रीजन। या मोटरिंग मोड, कि भाई मोटर के तौर पर चलेगा ये, कहां से कहां तक है। अरे टी बराबर, ये एस बराबर 0 से एस बराबर 1 तक। और इसमें भी दो क्षेत्र अगर तोड़ने हैं, तो एक है नॉर्मल चलने की स्थिति जिसमें टॉर्क स्लिप के समानुपाती है, एक स्टार्टिंग है जिसमें टॉर्क स्लिप का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है दोस्त। अच्छा जी देखो यार, यहां से ज्यादा अगर हम बात कर रहे हैं तो गति रिवर्स होना शुरू हो गई है जी, गति हमारी रिवर्स होना शुरू हो गई। तो भैया इस रीजन को, कहा गया है ब्रेकिंग क्षेत्र या रीजन। ब्रेकिंग रीजन में भी जो संबंध है वो टॉर्क और स्लिप का व्युत्क्रमानुपाती ही होता है। भाई स्लिप 0 से एस और 1 बेटा क्या है, मोटर रीजन। क्या कहेंगे, मोटरिंग मोड। एक से और 2 तक ब्रेकिंग मोड या ब्रेकिंग रीजन एक ही बात है दोस्त, बना सकते हो। इसकी जो शेप आपको मिलती है, ये जो शेप है विशेषता की दोस्त, ये है रेक्टेंगल, ठीक है जी। ये कभी कभार आ जाए तो टिक लगा लेना दोस्त, अभी खत्म नहीं हुआ जी। देखो बेटा यदि हम ये कहें अगर स्पीड को सिंक्रोनस से ज्यादा कर दो तो एस किस प्रकार का हो जाएगा, एस बराबर एन माइनस, नहीं एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तुम एन का मान एन एस से ज्यादा कर दोगे तो स्लिप ऋणात्मक नहीं हो जाएगा क्या, तो इतने टेंशन में क्यों हो भाई। यदि गति सिंक्रोनस गति से ज्यादा कर दी जाए तो मोटर में स्लिप ऋणात्मक हो जाती है। देखो जी हम बात करेंगे इसके, नहीं बिल्कुल चुप रहो, आनंद आ रहा है पढ़ाने में भाई, तो शांत रहो। ये जो ये क्षेत्र है,
हम क्या कहेंगे, देखिए जो एस का मान है, अरे भाई ऋणात्मक है, एस का मान ऋणात्मक होने का तात्पर्य ये पहुंच जाएगा, ये काम करेगा इंडक्शन जनरेटर के तौर पर। अब इसमें देखिए लाइनें क्या जोड़नी है, हम लिखेंगे कि इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में गति यदि सिंक्रोनस से ज्यादा हो जाए तो इसमें स्लिप का मान ऋणात्मक हो जाएगा तथा यह इंडक्शन जनरेटर की तरह कार्य करेगा। ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, जवाब दे सकते हो। हाँ उम्मीद तो हमें भी कुछ ऐसा ही है कि कुछ हमारे नाम की इज्जत रख लोगे। हमने कहा ना अभी समाप्त तो नहीं हुआ। जब छोटू इस पीडीएफ को देखेगा तो चकरा जाएगा, तो इसीलिए हम भाई अपने नाम अवश्य लिखेंगे चैनल का। नाउ मोहन बाबू रिप्लेस टू द छोटू, क्योंकि लोग बाग गलत लेने लगे थे, है ना, लोग बाग गलत सोचने लगे थे। और छोटू कोई भी हो सकता है, जैसे हमारा रजा भी है, छोटा है तो छोटू है, ठीक है, तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा। अरे कैर सिंह अभी पूरा नहीं हुआ कहानी ना, पूरी होने दे फिर फोटो लेना और हमारा भी फोटो खींचना है, ठीक है। देखो अभी इसमें ऑब्जेक्टिव बाकी है दोस्त, ये हमें तो पता है कि यार ये ऑपरेटिंग रीजन है नॉर्मल, इस तरफ चलाना हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्लिप का मान इस तरफ ज्यादा है और स्लिप का मान ज्यादा आने के कई सारे नुकसान है। अभी इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं, स्लिप का मान शुरुआती क्षेत्र में ज्यादा है, अगर स्लिप का मान ज्यादा आएगा रोटर कॉपर लॉस भी ज्यादा आएगा तो एफिशिएंसी कम होगा, तो हम कभी भी चलाना नहीं चाहेंगे इस तरफ। लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान देना है, यार एक बात बताओ, यदि मेरी स्ट्रेंथ 5 किलो वजन लेकर चलने की है और मेरे ऊपर तुम 10 किलो वजन रख दो तो क्या भाई, डैमेज होना गड़बड़ है, हाथ पैर टूटेगा, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, क्यों, ओवरलोड कंडीशन है। लेकिन एक बेस्ट कंडीशन क्या, अगर 4 किलो वजन है तो तब भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है, मतलब 1 किलो और रख सकता हूं, है ना। तो बेस्ट कंडीशन क्या होती है कि 5 किलो ही रख के चलो, जितना संभावना है उतना काम करिए। तो भाई बच्चों हमने ये देखा यहां से कि ये यहां पर टी एल, इसका तात्पर्य कुछ और नहीं सिर्फ लोड है, कि भाई ये लोड कनेक्ट है। अगर आपको ये कहा जाए कि नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन बताइए जी, नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट बताइए कौन सा सबसे अच्छा है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट, देखो ये जो ये पॉइंट है ए, क्या आप इसे अच्छा ऑपरेटिंग पॉइंट कहेंगे? नहीं भाई, लोड तो ज्यादा और ताकत मोटर की कम,
तो ये तो बेचारा खराब हो जाएगा। अच्छा जी, फिर दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप इसे नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट को यहां लेने लग जाए तो क्या इसे अच्छा कहेंगे? यार देखो, जब इसकी क्षमता, मोटर की क्षमता लोड से कहीं ज्यादा, तो इसे खाली क्यों छोड़े? इस पर कुछ और लोड चला लेंगे। तो हमने कहा देखो जी, अगर हम बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट की तरफ चलेंगे तो हमारे लिए ये वाला जो पॉइंट है ये बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। किसे हम बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब ये है, इसे हम लोग कहेंगे बेस्ट चलन बिंदु या ऑपरेटिंग पॉइंट, कि भाई इस पॉइंट पर चलाइए। और बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट देखिए कैसे डिनोट किया जाता है। टीएल का मतलब है लोड या लोड टॉर्क, और टीएम का मतलब है मैक्सिमम, नहीं मोटर टॉर्क। जो आपने टी बना रखा है ना, ये मोटर टॉर्क ही तो है हमारा। तो देखो जी, हमारे लिए जो बेस्ट जो पॉइंट है, जब मोटर का टॉर्क लोड के बराबर हो, ये पॉइंट हमारे लिए सबसे उच्चतम बिंदु है या सबसे बेस्ट पॉइंट यही है ऑपरेट होने के लिए। सबसे बेस्ट पॉइंट ये है जी ऑपरेट होने के लिए, टीएम बराबर टीएल। ठीक है भाई, ये होती है टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स। अभी इसका एक रूप और है, पहले इसको बना लो फिर आगे बढ़ो। बातें नहीं दोस्त, बनाओ तो इसको पढ़ो एक बार। चले, हो गया, बना लिया क्या? बनाओ पर जल्दी खींचो फिर अपना, जिसे खींचना है। ए भाई, इधर तो ध्यान मत लगा इतना, हीरो ना बन, इसे पढ़ दोबारा से। हाँ पढ़ी से, इसका रिलेशन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें लिखा दिया था, वो यहाँ कोई जरूरी नहीं है। उल्टा ही तो है टॉर्क का स्पीड, जरूरत नहीं है जबरदस्ती। अब बराबर,
एस बराबर वन तक। हाँ, वन भी होगा, वो भी स्टार्टिंग है। अरे भाई, जितनी मोटर की ताकत है उतनी ही लोड भी है। अगर मोटर पर लोड ज़्यादा लगा देंगे तो मोटर खराब हो जाएगा ना। तो जितनी मोटर की ताकत है उतना ही लोड डालिए, ज़्यादा लोड मत डालिए। तो जब मोटर का टॉर्क बेटा लोड के बराबर होगा तो ये बेस्ट कंडीशन मानी जाती है। हाँ, अभी यही बनवाने वाला हूँ। याद है, बहुत दिनों के बाद जूते पहने, अंगूठों में भी दर्द हो गया। चप्पलें घिस गई यार मेरी। कौन सा? ना ना, ये तो नॉर्मल है। आर्मी वालों का तो बहुत भारी होता है। चलो जी, अब तो उतार लिया होगा यार। हाँ, आज हमारी एडी ऑनलाइन क्लासेस पे 4:30 पे क्लास है, मतलब 4:30 पे क्लास है मुख्य चैनल पर, एडी ऑनलाइन क्लासेस पे। हाँ, सब लोग शेयर करना उसको, सब लोग लाइव भी रहना। हाँ, क्या इसकी है? मतलब मेरी और साइलेंट सर की है। अरे, मेरी और साइलेंट सर की है, फिर वही बात है, फिर कौन देखेगा? 4:30 बजे? नहीं, आज आज कोर्स की नहीं, आज हमारी लॉन्चिंग है। ठीक है, तभी तो बाल बुल कटाए मैंने एकदम खतरनाक। लोग कटप्पा, सही। जब ये मूवी ली थी तब नहीं कटाते थे बाल क्या? और क्या, हमारा छोटा सा एक अनाउंसमेंट है तो सब लोग सहयोग करेंगे इसमें ना। इसमें लिखा तो है नीचे, इसमें टाइटल में लिखा है दिवाली के बाद में फायर सॉर्ट में लिखा हुआ भी है। अब नेक्स्ट लिखेंगे, रोटर प्रतिरोध परिवर्तन का प्रभाव। हर घंटे में बाहर जा रहा है भाई। ये लड़का डांस मस्त करता है, कुछ भी हो, जबरदस्त। रोटर, हाँ, जैसे भी मस्त। रोटर प्रतिरोध परिवर्तन का प्रभाव। कोई नहीं कोई नहीं, थकान दूर कर लो अपनी।
सॉरी ये अभी टी स्टार्ट है बेटा। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क यही तो मिलेगा। देखो एस बराबर वन पर जो टॉर्क मिलता है वो स्टार्टिंग टॉर्क है, पहले भी लिखा है। हमने ये कहा अभी बेटा इसके लिए ये एस टी मैक्स वन है, इसके लिए प्रतिरोध यहाँ आर वन है। ओके जी, या आर टू डैश। तो भाई एस टी मैक्स बराबर में आर टू डैश बटे एक्स टू, ये डैश मतलब पहली स्थिति है दोस्त। यदि बेटा हम रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाएं तो रोटर के प्रतिरोध घटाने और बढ़ाने से टी मैक्सिमम लेवल चेंज होता है क्या? टी मैक्सिमम चेंज होता है क्या? नहीं, हमने तो इंपॉर्टेंट में लिखा है, तुम भूल गए। हमने कहा रोटर के प्रतिरोध को बदलने से टी मैक्स नहीं चेंज होगा, स्लिप चेंज होगा। अगर बेटा हम आर टू बढ़ा दे तो स्लिप बढ़ेगा। ओके जी, तो हमने ये कहा कि यदि हम अब आर टू को बढ़ाकर आर टू डैश करते तो टी मैक्सिमम तो वही गया, लेकिन अब हमें जो स्लिप मिल रही है ये हमें मिला जी एस टी मैक्स टू बराबर आर टू डबल डैश बटे, ना जी एक्स टू थोड़ा है ना चेंज होगा, रोटर के प्रतिरोध को कर सकते हो, रिएक्टेंस तो लीकेज के कारण है, वो तो स्टैंडर्ड है, उसे थोड़ा ना कर सकते हो। अच्छा जी, ये हमें मिल गया टी स्टार्ट बे, बाकी तुम्हें जो समझ आया तुम पढ़ लो, मैं नहीं पता। डिपेंड दोनों पे करता है, एक को सेम रखा और दूसरे को बदल दिया तो बदलेगा ना, तो क्या उसे बदलने के लिए दोनों को बदलना जरूरी है? वही तो हम कह रहे हैं यार, रिएक्टेंस कभी चेंज नहीं होगा दोस्त, याद रखना रिएक्टेंस लीकेज का स्टैंडर्ड होता है, वो नहीं चेंज होगा। अब बेटा हमने इसे बेचारे को रोटर के रेजिस्टेंस को और बढ़ाया और बढ़ाकर हमने इतना कर दिया कि R2 कि हमें ये अब यहां पर दे दिया R2 ट्रिपल डैश, तो R2 ट्रिपल डैश X2 के बराबर हो गया। तो यहां ST जो मैक्स 3 है ये हमें मिल गया जी 1। अरे 1 का मतलब शुरुआती, तो यार ये तो मैक्सिमम टॉर्क हमें शुरुआत में ही मिल गया। अच्छा जी, अब इस स्थिति में ये हमें मिला जी टी स्टार्टिंग 3, बड़ी अच्छी बात है भाई। देखो इस मोटर, तभी तो हम कहेंगे कि स्लिप रिंग बहुत बढ़िया है, रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाइए तो स्टार्टिंग में टॉर्क बढ़ेगा, स्टार्टिंग में टॉर्क बढ़ेगा तो मतलब बच्चे लोड को लेकर चलने में सक्षम है। तो भाई हमने ये देखा कि रोटर के आर टू ट्रिपल डैश ग्रेटर देन आर टू डबल डैश ग्रेटर देन आर टू डैश, रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाने से स्टार्टिंग टॉर्क
बढ़ जाता है, देख लो ना यार। लेकिन वही है, इंसान लालच तो भरा हुआ है। तुमने कहा हम थोड़े ना रुकने वाले, हम तो और बढ़ाते हैं, हम तो और चलते हैं। अब तुमने भैया इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी। अब ये बेटा जो मैक्सिमम गया है, ये गया है निगेटिव में, ब्रेकिंग में, अब ये जलेगा, अब ये फूक जाएगा दोस्त। तो रोटर का प्रतिरोध देखो, लास्ट वैल्यू कौन से डिफाइन है, ये वाले कहां, जब स्लिप का मान जिस प्रतिरोध से वन आ जाए, यानी मैक्सिमम टॉर्क पर जो स्लिप है वो वन आ जाए, तो ये जो आर टू ये कहलाता है क्रिटिकल रोटर का प्रतिरोध या क्रिटिकल रोटर प्रतिरोध। दोस्त इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो ये मोटर फूक जाएगा। तो जैसे ये विशेषता दिखेगी तुम लिख दो बर्न, सब बेकार, यहाँ पे सब शांति शांति, ये काम तमाम इसका। तो है जी वाले। पहली चीज तो ये अलार्म था, क्लास तो 2 बजे थी, इस समय सो के उठता है ये, इसका वो ये जीना जो जीवन है ना वो सूना सूना सा है, तभी तो ऐसे डायलर टोन है। थोड़ा कुछ हरा भरा रहता तो फिर तो अलग ही डायलर टोन होती। इससे पूछो ये जो ये चित्रांशु के पापा, सुना सुना इसलिए दोस्त कि तेरे जैसे यार दोस्त रहेंगे तो तलाक करवा के छोड़ोगे। सब बढ़िया है, लोगों का घर बसाने की बात करो, तुम तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना है प्लीज बाबा मत बन, क्योंकि हिंदुस्तान में इतिहास 2-4 साल से ऐसा रहा है ना, पूरा गंद मचा रखा है। एक ये राम रहीम हो गया और एक ये राम कौन सा आसाराम, भाई भगवान बचाए, एक और सा रामपाल बाबा, तो भगवान बचाए बस अपना। वैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप कर लो या अपना मंदिर मस्जिद में वैसे चले जाओ, इनसे दूर रहो। लुटेरे ज्यादा है भाई। चलो देखो बेटा, रोटर प्रतिरोध बढ़ाने से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, लेकिन टी मैक्सिमम नहीं बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट है सीधे सीधे, फैक्ट है ये, याद होने चाहिए। रोटर प्रतिरोध बढ़ाने से स्टार्टिंग आघूर्ण बढ़ जाएगा, लेकिन अधिकतम आघूर्ण परिवर्तित नहीं होगा। गति गति है, देखो हमने करेक्टरिस्टिक्स बना तो रखी है दोस्त, गति इस तरफ को गिर रही है। जैसे जैसे आप आर टू बढ़ाएंगे एस टी मैक्स बढ़ेगा तो गति गिरेगी, बना तो रखी 0 NS बकायदा बना रखी है हमने, लिखेगा ये भी।
एसटी मैक्स बढ़ने का, या एसटी मैक्स क्या लिखो, सिंपल लिख लो। देखो जैसे जैसे स्लिप का मान बढ़ता है वैसे वैसे जो गति है वो घटती है, गिरती है। ये हमने पहले सूत्र में पहले ही दूसरे पेज पर ही आ गया था। ये स्लिप का मान बढ़ने से गति में गिरावट आएगी, लिखा तो था n बराबर 1 माइनस एस एन एस। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट लिखेंगे। नहीं इस पे तो लेकर नहीं जाना ना, बस इस तरफ ही ऑपरेट करवाना है। हमने तो कहा ना वो तो अनबैलेंस कंडीशन है, या तो जल जाएगी वो। उल्टा घूमने के मतलब नहीं होता, ब्रेक का मतलब होता है विपरीत दिशा में घूमने का ट्राई करना, ये होता है ब्रेकिंग। जैसे मैं इस तरफ को चल रहा हूं, यदि मेरे चलने की डायरेक्शन के उल्टा घूमने का प्रयास होगा तो मैं रुक जाऊंगा। यही हम साइकिलिंग में भी पैंडल मार रहे हैं। तो जब ब्रेक लगाने का मतलब है कि हम उसे विपरीत दिशा में घुमाने की ट्राई कर रहे हैं, तो हमने ब्रेक लगा दिया। तो जैसे जैसे रिवर्स डायरेक्शन में गति बढ़ते हुए दिखेगी तो फॉरवर्ड में कम होती चली जाएगी, ये तो इस डायरेक्शन में जाकर तो वो जल जाएगा, कुछ काम का नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट लिखो कोगिंग और क्रवलिंग। नेक्स्ट है क्रवलिंग। क्रवलिंग और कोगिंग बस ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, फिर चलेंगे पावर, पावर फ्लो पर चलेंगे। इसमें जैसे लॉसेस है ना, तो हमें वो लॉसेस को वो एनालिसिस नहीं करना। जैसे अब हम एक ही टर्म यूज करेंगे यार, कोर लॉस, तो कोर का मतलब हम समझ जाएंगे कि एडी और हिस्टैरिसीस है। इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कॉपर लॉस, ताम्र हानि। देखो जी यह सातवें, ये जो मैं लाइनें लिख रहा हूं ना यार, आपसे मैं यही कहूंगा कि एग्जाम के लिए इन लाइनों को इन्हें छोड़ के मत जाना, मतलब ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। यह सातवें स्पेस हार्मोनिक्स के कारण होता है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहा हूं, हार्मोनिक्स के कारण होता है। सातवें स्पेस हार्मोनिक्स के कारण डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि हार्मोनिक्स के होने का मुख्य कारण क्या है, तो सातवें स्पेस हार्मोनिक्स के कारण होता है। अब देखो जी एक चीज और याद रखना कि थ्री फेज बैलेंस सप्लाई में थर्ड हार्मोनिक्स और उसके गुणनफल यानी मल्टीपल वो एलिमिनेट रहते हैं। जैसे तीसरा, तीस से क्या, तीन से क्या डिवाइड होगा, 9, यानी 15 27, ये सब हमारे एलिमिनेट है। तो हम ये लिखेंगे कि तीन फेज बैलेंस इंडक्शन मोटर में थर्ड हार्मोनिक्स वह इसके मल्टीपल एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं।
देखो जी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हार्मोनिक्स का ऑर्डर होता है, एच का मतलब है यहाँ हार्मोनिक्स का ऑर्डर 6n+-1। बेटा ये भी आ सकता है, तीसरा है ही नहीं इसमें, तीन से जो कट सकते हैं ऑर्डर नंबर वो भी नहीं है, तीन से 3 3 9 नहीं है, 3 से 27 कट जाएगा नहीं है, 3 से 15 कट जाएगा नहीं है। देखो अगर आप इसमें एक माइनस करोगे, एन का मान 1 रखो बेटा, एन का मान 1 रखने से 2 मिल सकते हैं, एक तो माइनस करोगे तो माइनस करने पर 5 मिलेगा। तो आपने जब माइनस किया, जब आपको 5 मिला, तो माइनस का मतलब होता है बैकवर्ड दिशा में, ये तो बैकवर्ड दिशा में है। बैकवर्ड दिशा का मतलब है ब्रेकिंग मोड में। आप यहां लिखोगे इसे कि ये तो ब्रेकिंग की साइड है, तो हमने कहा जी ये तो हमारे लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन जब आप प्लस करोगे कितना आएगा दोस्त, प्लस करने का मतलब है 7 आएगा। अरे भाई एक रखो यहाँ, प्लस एक कर दो तो या तो 6 में से 1 घटेगा या 1 जुड़ेगा, तो ये आएगा हमारा फॉरवर्ड दिशा में। फॉरवर्ड दिशा का मतलब है दोस्त मोटर की दिशा। अब दो जरूरी चीज देखिएगा, हार्मोनिक्स की गति व हार्मोनिक्स की आवृत्ति। बाल्य में आपको ये कहूं कि मुझे तो 7वें हार्मोनिक्स की गति बताइए जी, या मुझे तो 7वें हार्मोनिक्स की आवृत्ति बताइए, एन का मतलब है गति, एफ का मतलब है आवृत्ति, ये बताओ जी। तो जब हम गति की बात करेंगे तो एनएस यहां पर जो भी पूछा है, जैसे पांचवा पूछता तो 5 से डिवाइड, 7वां पूछा है तो 7 से डिवाइड, तो ns/7 rpm। अब यहां F7 पर आ जाओ, आवृत्ति में करनी है आपको गुणा 7 और f हर्ट्ज। f क्या है भाई, स्टेटर की आवृत्ति। देखो जी, जैसे हम ये कहें कि एक मशीन में सिंक्रोनस गति 3000 है, वह 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, पहले से लिख लो, एक न्यूमेरिकल करके बताएंगे। बस थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है। हो गया भाई यहां तक, देखो एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, या एक थ्री फेज दो पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के लिए
सातवें हार्मोनिक्स। सातवें हार्मोनिक्स की गति व आवृत्ति ज्ञात कीजिए। भाई बच्चों एक छोटा सा सवाल, देखो भाई दो पोल एनएस, एनएस का मान निकाल सकते हो 120 F/P, तो 120 × 50 पोल कितने, दो, तो कितना है भाई बच्चों 3000 RPM है जी। सातवें हार्मोनिक्स की पूछा है तो N7 बराबर में NS/7, तो 3000/7 कितना आ गया। लो भाई सातवें हार्मोनिक्स की गति तो ये आई, और आवृत्ति देखे F7 बराबर 7 × F, F का मान कितना 50, तो 7 × बताए कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल दोस्त, ठीक है, ये इस तरह का न्यूमेरिकल। तो देखिए क्रवलिंग को सीख रहे हैं, तो थी हार्मोनिक्स की कहानी, हम क्रवलिंग को सीख रहे हैं, तो क्रवलिंग को देखिए हम किस प्रकार से समझते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी देर और दो, फिर तुम्हें ब्रेक देंगे, फिर क्लास लेंगे, टेंशन ना। थम जाओ, यह है लोड, अभी तो 1 घंटा ही हुआ क्लास चलते हुए, अभी तो बहुत सारी चीजें बच रही हैं। देखो जी ये हमें दिया है जी टॉर्क, और ये वही अपना स्लिप वाली कहानी कि आप ये चाहते होगे। देखो मोटर एक तो बेचारा शुरू हुआ हो, एक तो शुरू में बेचारे का टॉर्क वैसे ही उतना हाई है नहीं, तभी जरूरी है इंडक्शन मोटर में, चाहे आप सिंगल फेज की भी बात करते हो, अगर लो वोल्टेज देंगे तो कई बार ये बेचारा सिर्फ शोर करता है, ऐसे शोर करेगा बेचारा, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो तुम उसे सहारा भी देते हो बेचारे को, मतलब उसे बेचारे को उस दुख से निकाल रहे हो तुम। अब ये शुरू हुआ, शुरू होते एक तो ताकत इतनी नहीं है, ऊपर से एक संकट और है, ये जो हमने हार्मोनिक्स बनाया है सातवां हार्मोनिक्स का कहना कुछ ये है कि जितने में ये एक साइकिल पूरी करता है, इतने में ये पूरी एक साइकिल पूरी करेगा, इतना में सात करेगा, आवृत्ति 7 गुना बढ़ गई, तो जो परिणामी टॉर्क होगा, पहले तो ये टॉर्क था, अब परिणामी टॉर्क जो होगा, हमें ये देखने को मिलता है कि थोड़ी बढ़ोतरी तो है लेकिन साथ में गिरावट भी है हल्की सी, और इसके बाद में फिर अपना ये परिणामी टॉर्क है, क्यों अब इसे और इसे जोड़कर एक परिणामी टॉर्क बनेगा। ये आ गया जी
परिणामी टॉर्क, ये तो बड़ी दिक्कत होगी। मोटर के शुरुआत में सातवें हार्मोनिक्स के कारण जब परिणामी आघूर्ण, यार ये तो लोड से भी कम हो गया, ये इसमें लोड से भी कम हो गया। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शुरुआत में सातवें हार्मोनिक्स के कारण परिणामी आघूर्ण लोड के आघूर्ण से कम हो जाना ही क्रबलिंग कहलाता है। अब देखो यार, ये जो पूरी कहानी तुम्हें बोर्ड पर बनाई है ना, ये वाली है जिसमें निगेटिव गया है, यही बीमारी है क्रबलिंग। आप कभी नहीं चाहते कि भैया लोड के टॉर्क से कम मोटर की शक्ति हो। भाई मोटर की शक्ति हमेशा लोड से अच्छी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें अगर बैलेंस या स्टेबल पॉइंट पर मार्क करने की बात आए कि भाई अच्छा बिंदु क्या है, तो देखो ये है ए और ये मान लिया हमने बी, तो ए हमारा स्टेबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि देखो यार, हमारे लिए तो ये बढ़िया था कि सातवें हार्मोनिक्स के कारण ये बेचारा यहां से ऊपर निकल जाता, ये नेगेटिव जाता ही नहीं, तो हमारे लिए तो लास्ट वाला जो पॉइंट ए है, हम नहीं चाहते थे कि ए से नीचे ये विशेषता बने। तो हम जो स्टेबल पॉइंट कहेंगे इसमें, मान लिया आपको ये डायग्राम देकर ये कहें कि इनमें स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप कहेंगे ए है जी। क्यों? हम ये कभी आप सोचो बी है, आप ये कहेंगे जी हम तो ये कह रहे थे कि भाई ए से ऊपर ही निकल जाए करेक्टरिस्टिक्स, ये निगेटिव जाए ही ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये मिला हमें स्टेबल पॉइंट। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ये क्रवलिंग है इसी को परिभाषित करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शुरुआत में सातवें हार्मोनिक्स के कारण परिणामी टॉर्क लोड के टॉर्क से कम आ जाना ही क्रवलिंग कहलाता है। यदि मोटर जल्दी ही इससे बाहर आ जाए तो सही है, अगर ज्यादा देर मोटर इसी में चलने कोशिश करेगा तो मोटर जल जाएगा। ठीक है भाई, तो हम लोग इसमें लिखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शुरुआत में सातवें हार्मोनिक्स के कारण परिणामी आघूर्ण लोड आघूर्ण से कम हो जाता है तथा यही क्रवलिंग कहलाता है। क्रबलिंग के दौरान मोटर ओवरहीटिंग को महसूस करता है। करता है तथा ज्यादा देर तक क्रवलिंग की स्थिति में मोटर बर्न भी हो जाती है। ठीक है, अभी जब हम कोगिंग पढ़ लेंगे तो तब हम लोग यहां लिखेंगे कि
स्क्यूइंग करने से रोटर या स्टेटर एक दूसरे के सापेक्ष तिरछा बनाने से किसी हद तक हम लोग हाँ कोगिंग को भी कम कर सकते हैं और क्रवलिंग को भी कम कर सकते हैं। नहीं रुकेगा थोड़ा, ये धीरे धीरे चल रहा है ना, कितने से सिंक्रोनस के डिवाइड बाय 7 गति से, शून्य गति थोड़ा ही ना हो गई, धीरे धीरे चल रहा है, वही तो धीरे धीरे चलना ही तो क्रवलिंग है। इससे बाहर आकर अपने नॉर्मल गति को पकड़ेगा, ज्यादा देर इसी हालत में छोड़ दिया तो फिर कैसे चलेगा। चलिए इसमें नेक्स्ट लिखना है कोगिंग, चाय लेने जा रहा है क्या? जब बोल के आना ऊपर अंकल को, एक चाय दे दोगे? कहाँ? अभी इक्वेशन को करनी है, टेस्टिंग करनी है, ताकि बाद वाले सेशन में थोड़ा बहुत चीजें ही बचे हमारी। स्पीड कंट्रोल ही तो बचेगा जो मेजर है फिर। हार्मोनिक्स तो बहुत एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये, और दूर भी नहीं कर सकते इसे, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं बाकी दूर नहीं कर सकते। देखो जी कोगिंग में क्या है, जब रोटर के स्लॉट स्टेटर के स्लॉट के बराबर हो जाए। यार क्रवलिंग में मोटर स्टार्ट होती है, धीरे धीरे घूमती भी है। जब रोटर के स्लॉट स्टेटर के स्लॉट के बराबर हो जाए तो रोटर व स्टेटर के बीच एक उच्च चुंबकीय बल या अलाइनमेंट बल लगता, जब रोटर के स्लॉट और स्टेटर के स्लॉट के बराबर हो जाए तो दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट फोर्स, ये देखो अगर नॉर्थ के साथ एस अलाइन कर रहा हो तो डायरेक्ट रखेगा, उसको घूमने ही नहीं देगा। अलाइनमेंट बल लगता है तथा मोटर स्टार्ट नहीं हो पाता, मोटर स्टार्ट नहीं होता, इसी व्यवस्था को कोगिंग कहते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? कोगिंग कहेंगे। देखो जी क्रवलिंग में, क्रवलिंग के दौरान हम यहां लिखते हैं कि मोटर धीरे धीरे चलता है, लेकिन कोगिंग में स्टार्ट ही नहीं होता, स्टार्ट नहीं होता। इसका एक शब्द आप इंग्लिश में लिख सकते हैं रिफ्यूज टू स्टार्ट, कि भैया इसने स्टार्ट होने को ही मना कर दिया। तो भैया इसमें याद रखिए देखिए जी
रोटर, रोटर या स्टेटर को एक दूसरे के सापेक्ष तिरछा, तिरछा का मतलब है अंग्रेजी में स्क्विंग, करने पर कोगिंग कम होती है तथा क्रबलिंग भी थोड़ा कम होता है। क्रबलिंग भी थोड़ा काम होता है। देखो भाई, कोगिंग इन दोनों शब्द को मिलाकर एक साथ अगर लिखें तो इसे कहा जाता है सिंक्रोनस कस्प। नया शब्द है लेकिन बढ़िया। यदि दोनों को एक साथ मिला के हम लिखें तो इसे कहा जाएगा सिंक्रोनस कस्प। कसनी, कप्स भी नहीं, कप नहीं, कस्प, CUSPS। कप ही याद रख लो, गलत तो नहीं करोगे पेपर में। ठीक है, चलो जी निबट गया, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, क्या आगे चले? कहा तो इन दोनों प्रभावों को मिलाकर ये कहेंगे। बताइए बताइए। हैं, हार्मोनिक्स के कारण होता है। अगर वोल्टेज अच्छी बढ़ा दी जाए तो ये कम हो सकता है दोस्त, टॉर्क अच्छा हो जाएगा फिर। अरे वोल्टेज के जब लिख दिया सातवें, हार्मोनिक्स के कारण होता है, हार्मोनिक्स के कारण हो रहा है, तुम तब भी कह रहे हो वोल्टेज के कारण हो रहा है। हाँ तो वोल्टेज बढ़ाने से क्रवलिंग प्रभाव कम होता है क्योंकि मोटर की ताकत बढ़ जाएगी। बेचारा जब ताकत बढ़ेगी तो इससे बाहर आ जाएगा भाग के। चलो नेक्स्ट लिखो जी इसमें। नेक्स्ट लिखो पावर इक्वेशन। पावर फ्लो इक्वेशन, समीकरण जी, और लिख लो, इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले मोटर में स्टेटर पर इनपुट दिया जाएगा दोस्त, स्टेटर पर इनपुट देने के बाद में
माइनस कर देंगे स्टेटर के हानियां, स्टेटर हानिया मीन्स दोनों आ गए इसमें, कॉपर आयरन इसमें सब आ गए, तो माइनस कर देंगे स्टेटर की हानिया। स्टेटर इनपुट में से माइनस करने से स्टेटर हानिया हमें मिलेगा रोटर इनपुट, रोटर इनपुट को ही नाम दिया जाता है जिसे प्रदर्शित करेंगे पिच। कहीं की क्या दिक्कत आ गई क्या, छुट्टी करें? हाँ तो तुम्हें क्या लगा, कर देंगे थोड़ा ही ना, जिसे जाना हो जाओ। पता नहीं क्या, जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ क्या हलचल से हो जा रही तुम्हारे में, बताओ बताओ कोई दिक्कत तकलीफ? चाय पीनी है? ये भी मेरे लिए आती है, तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ सुमित जी ठीक ठाक है सब? सही लग रहा है? बस तो फिर पढ़ा तेरा और क्या। जब हमें पता है कि जीवन में इसके अलावा कुछ है नहीं तो काहे का। तो रोटर इनपुट में से रोटर ताम्र पीआरसी बराबर एसपीजी, और अभी हम लिखने वाले हैं PMD। अच्छा जी, अब इसमें से अगर ये माइनस करते हैं तो हमें मिलता है दोस्त रोटर आउटपुट, या फिर इसे कहा जाएगा यांत्रिक उत्पन्न शक्ति, मैकेनिकल डेवलप पावर, जिसे हम कहेंगे पीएम। ठीक है भाई, तो पीआरसी का फॉर्मूला या तो एस इंटू पीजी कहेंगे, ये कोई अलग थोड़ा ना है। अरे स्लिप गुणा रोटर इनपुट। पीएमडी क्या है दोस्त? या फिर स्लिप अपॉन वन माइनस एस गुणा रोटर आउटपुट, दोनों एक ही तो है। और भैया ये तो फिर ये बड़ा पापी फॉर्मूला है, बार बार आता है पेपर में, हर यली में, ये प्रकाश से थोड़ा सा कम। अब ये लगाओ, ये देखो एक चीज और दिमाग में रखना बेटा, जो पीएमडी है ये होता है वन माइनस एस इंटू पीजी, ये रोटर का इनपुट है, वो रोटर का आउटपुट है। अब बेटा रोटर के आउटपुट में से माइनस करना है मैकेनिकल लॉसेस, यांत्रिक हानिया, एमईसी मतलब मैकेनिकल बेटा, और यहां पर अब हमें मिल जाएगी सॉरी शाफ्ट आउटपुट पावर।
जिसे हम बेटा लिख सकते हैं पी शाफ्ट। ठीक है, पहले इसको बना लो, फिर इसका थोड़ा सा ऑपरेशन बाकी है। मेडिकल करा दूं, पूरा तो कर लूं क्या? अरे पूरा नहीं हुआ भी, ए भाई देखो बेटा, हमेशा याद रखिए ये जो टीजी होता है एयर गैप टॉर्क, और यहाँ टीएमडी होता है मैकेनिकल डेवलप टॉर्क। इंडक्शन मोटर में कभी ये चेंज नहीं होता, मतलब रोटर इनपुट और आउटपुट दोनों पर समान टॉर्क उत्पन्न होता है। और यही जो टीजी टीएमडी, यही हमारा फुल लोड टॉर्क भी है। तो देखो जी, इसमें ध्यान से ये बताइए, यदि हम ये कहें कि मोटर की दक्षता, हाँ जी मोटर की दक्षता बताइए, तो भाई शाफ्ट पे जो आउटपुट मिला है ये, यहाँ स्टेटर से तो पी इनपुट मिला दोस्त, हम यही तो कहेंगे कि शाफ्ट आउटपुट शक्ति अपॉन में स्टेटर इनपुट शक्ति, ठीक है जी। बेटा ये बताना जरा, रोटर की अरे रोटर की दक्षता, रोटर की दक्षता मतलब रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट। रोटर आउटपुट बटे रोटर इनपुट, तो भाई बच्चों पीएमडी बटे पीजी, पीएमडी का मान रखिए 1 माइनस एस पीजी अपॉन 1 माइनस, ये रोटर की दक्षता मिल गई बच्चों, प्रतिशत में देखेंगे तो 1 माइनस एस इंटू अंडर।
प्रतिशत में भाई 100 से गुणा करते हैं ना। भाई ये बताओ, यदि आप वहां एस का मान रखें और एक बात बताओ ना, घबरा क्यों रहे हैं? ये लिखते तुम, तो जरा वन माइनस एस बराबर वन माइनस एन एस माइनस एन अपॉन एन एस नहीं कर सकते? तो मान कितना आएगा? माइनस कहाँ है, माइनस पहले नहीं है, तो ये आएगा एन अपॉन, भैया ये शॉर्टकट है, मतलब स्लिप स्लिप कुछ नहीं दे रखा, रोटर की गति है और एन एस सिंक्रोनस गति है, और आपसे पूछा है कि रोटर की आवृत्ति, वो सॉरी रोटर की दक्षता बताइए, तो एन अपॉन एन एस डायरेक्टली। ठीक है भाई, आज शाम को शायद मैं मुश्किल ले पाऊंगा, मुझे भी याद आया कल मुझे गांव जाना है, थोड़ा सामान लेने जाना, कल हमारे भांजे का बर्थडे है। लिख लिया जी? हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा ना कुछ बोल रहे यार, तुम्हारे लिए ही तो है जो मेहनत कर रहे भाई। लिखा तो है यांत्रिक हानिया, मैकेनिकल लॉस, हानिया मतलब लॉस ही तो होती है, एमईसी मतलब मैकेनिकल, बड़ी तकलीफ में हो भाई। अगर हम यहां से हटा भी देते पीएमसी, तो है तो यांत्रिक हानिया ही, हटा दो इसे, क्या है? चलो लिखो जी, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर लिख लिया, ये लिख लो, लिख क्या हुआ, गर्मी लग रही है? यहां देखो खड़े हो गए, ठंडी आ जा देख थोड़ी देर, वो बहुत ज्यादा हीट देता है ये। किसका? ये एंटीना है, सब कंटेंट यही तो है, सब कंटेंट हमारा जो किताबों से जुड़ा हुआ है इसी के थ्रू है, एंटीना है। आपने इतना समझ रखा नालायक में सब। एंटीना है ना ये, नहीं, कटाता ही नहीं है ये, तो मैं बहुत कर लेता हूँ, ये तो बचपन से रखा है ना। तो कटवाते रहते हैं ना, कौन सा इतना बड़ा गंदा है। क्या लाभ देखना है, हर चीज लाभ के लिए थोड़ा ही, थोड़ा ही चीजें, कुछ चीजें संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भी की जाती है। हैं
नहीं, कारण कुछ नहीं है भाई, छुट्टियां रखने का कोई आस्था भी नहीं है, कोई कारण नहीं है। कुछ चीजें अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए करनी पड़ती है। तो पुराने जमाने में आचार्य ये रखा करते थे, ठीक है, और बचपन से जब हम शाखाओं में जाया करते थे तो ये बड़ा कॉमन चीजें थी ये। अब हमारा मन नहीं कर रहा, बैठे रहोगे। हैं, देखो देखो। हाँ चलो जी, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ये खुश हो जाते हैं कि अरे सर तो थक गए कि अब। देखो जी, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर इनपुट शक्ति 1000 वॉट है। यदि स्लिप का मान 4% हो तो रोटर ताम्र हानि ज्ञात कीजिए। भाई इस तरह के जो न्यूमेरिकल है बहुत आएंगे। हाँ भाई, देखो जब हम रोटर कॉपर लॉस की बात करेंगे तो अभी तो पढ़ा हमने एस इंटू रोटर इनपुट, तो पी आर सी बराबर में एस इंटू पी जी। स्लिप कितना? 0.04। और भाई रोटर इनपुट शक्ति 1000, तो सीधे आ गया जी 40 वॉट। बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत आएंगे। इसी में आपसे पूछा जा सकता था कि रोटर की, ये तो हो गया जी, दक्षता बताइए, ये भी पूछा जा सकता था। तो हम कहते जी रोटर दक्षता 1 - s × 100, तो 1 - 0.04 गुणा कितना जी? ठीक है भाई बच्चों, इसी में ये भी पूछा जा सकता था कि मैकेनिकल डेवलप पावर बताइए या रोटर का आउटपुट ज्ञात कीजिए। तो हम ये करते हैं कि रोटर आउटपुट PMD बराबर में 1 - s × PG, तो 960 आ जाएगा। अरे यार देखो, 1000 में से 40 यहाँ गए तो बाकी तो रोटर का आउटपुट ही हो गया, तो ये हो गया जी 960 वॉट। तो अलग अलग चीजें बेटा इसमें पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट चलेंगे इसमें। देखो भाई, यहां पर भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं लॉसेस को कैलकुलेट करने की। तो यहां पर दो टेस्टिंग है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर टेस्टिंग, थ्री फेज इंडक्शन मोटर टेस्टिंग। एक होता है नो लोड टेस्ट। तो बेटा नो लोड टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये बहुत कम स्लिप पर चल रहा है। अरे कोई लोड नहीं है ना, तो अच्छी गति से अपना चल रहा है। तो नो लोड टेस्ट किया जाता है कि इसके द्वारा
बोलो, इसके द्वारा कोर लॉस, कोर, अरे पूरा तो बताओ। अच्छा तुम ही बताओ, बोलो जल्दी बोलो, फिर खत्म करेंगे। बताओ बताओ। आ जा, अरे शर्मा मत। अभी मतलब टॉपिक शुरू हुआ, बताओ तुम क्या कहना चाह रहे थे, बोलो। कोर में सब कैसे आ जाएगा भाई, जबरदस्ती भाई। कोर लॉस में क्या क्या चीजें पढ़ाई, एडी और ऐसे ऐसे। फिर वो तुम पूरा होने ही कहाँ दे रहे हैं, पूरा होने दे रहे हैं तुम। इसके द्वारा कोर हानिया तथा यांत्रिक हानियों को ज्ञात कर लेते हैं। अरे इसमें चल रहा है, घूम रहा है, रोका नहीं इसमें आपने। तो देखो इसमें सेम वो ऐसा है जैसे ट्रांसफॉर्मर का ओपन सर्किट टेस्ट, और कुछ भी नहीं है भाई इसमें। कहाँ थे ये, ये लीजिए जी, ओपन और नो लोड टेस्ट। इसमें जो वाट मीटर हम लोगों ने लगाए हैं, चाहे हम इसे एक के लिए बना लेते हैं, जैसे मैं थ्री फेज पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के पावर को नापा है 2 वाट मीटर से। अब देखो इसमें वाट मीटर की रीडिंग आयरन व मैकेनिकल लॉस को देती है। ठीक है दोस्त भाई, सेम वो है जो ओपन सर्किट टेस्ट। अच्छा थोड़ा सा यहाँ रह गया, आपने किसी ने ये नहीं पूछा कि सर इसमें आपने आयरन लॉस क्यों नहीं लिखा, रोटर में आयरन लॉस क्यों नहीं लिखा, नहीं होता क्या? बहुत, देखो भाई रोटर में आवृत्ति कितनी होती है दोस्त, 1 1.5 2 हर्ट्ज। रोटर में आवृत्ति बहुत कम होती है, कम होती है, इसीलिए रोटर में आवृत्ति बहुत कम होती है, इसीलिए रोटर में कोर हानियाँ बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तथा इन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, बाकी ये रहा, नेक्स्ट हम लोग 6 बजे वाले सेशन में करेंगे, मैं तब तक थोड़ा सामान वामान का निपटा लूं, तो यहाँ से आगे नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। 6 बजे के आसपास ही एक रख लेंगे। हाँ स्पीड कंट्रोल करवा देंगे, और इसके यही होगा, अगर हम आ गए तो हम क्लास लेंगे, गुरुजी कुछ और पढ़ा लेंगे। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद जी।